बारिशें आली होंगी, आसमान बन जाएंगी, उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। ख्वाहिशें आली होंगी, आसमान बन जाएंगी, उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहिए, आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएंगी। तो मैं सतीश कुमार, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मंच की ओर हम चलते हैं। मंच का कॉन्फिडेंस कैसे, आत्मविश्वास पैदा हो, तालियां जब तक ना बजे, और ऐसी तालियां जो माहौल जिससे झूम उठे, जिनसे हमारे श्रोता झूम उठे, ऐसी तालियां जिससे पब्लिक बन जाए, वो शायरी मैं आपके सामने, जिससे मैंने एक शायरी बोली और कुछ मैंने खुद लिखी है, कुछ मैंने अच्छे अच्छे जो चिंतक हैं, अच्छे अच्छे जो कवि हैं, उनसे मैंने ये शायरी ली है। तो कहते कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सोने आंगन में गरघटा बनके बरस जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। तो घटा बनके बरस जाइए आप, फिर देखिए कैसा स्टेज के ऊपर माहौल होता है, किस तरह से एक माहौल बन जाएगा। आपस में एक दूसरे को हौसला देते रहे हम लोग, श्रोता बहुत बड़ी जान होती है वक्ता की। सो आप लोग तालियां बजाते रहिए। आज जो खुशी का दिन आया है, हर तरह से हम लोग माहौल के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दें, सहयोग दें, तालियों से सही किसी से किसी की वाह वाह करें, किसी को शाबाशी दें। और अगर ऐसा होगा तो हम भी एक दिन इस मंच का हिस्सा बनेंगे। और इसी तरह से कहा कि अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो ज़रूर दो बात कर लूँगा, अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर दो बात कर लूंगा। बढ़ा दो हौसला तालियों से, इस मंच पर गीतों की बरसात कर दूंगा। तो ये मंच के ऊपर गीतों की बरसात होती हुई प्रस्तुतियों का दौर, आप अपने यौवन पर कार्यक्रम में जब आप बीच में होते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि माहौल के अकॉर्डिंग शायरी बोलनी होती है। माहौल बहुत ही जिंदा चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे, और थोड़ा सा एक माहौल के अंदर एक मुर्दापन कहेंगे, एक बिल्कुल सुस्त चल रहा है, तो उसको उठाने के लिए उसी तरह से आपको शब्दों का, शायरी का प्रयोग करना होगा। और यही एक एंकर के, यही एक वक्ता के गुण होते हैं। और इसके बाद कहा कि चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेंगी। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। ये शायरी, ये कविताएं, ये प्रस्तुतियां मेरे एहसास का नतीजा है दोस्तों, दिल से निकलेगी आपकी तालियों तक पहुंचेगी। तो पूरा जज्बाती माहौल और हृदय से हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन, हर प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। और आप यूं ही तालियां बजाते रहिए, यूं ही माहौल को चार चांद लगाते रहिए, और माहौल हमारा खूब खिल उठेगा आपकी तालियों से। इन नन्हे कलाकारों के हौसलों को बुलंदियों की हवा दीजिए, नए नए फूल खिले हैं इन्हें मकबूलियत की दुआ दीजिए। इन कलाकारों के हौसलों को बुलंदियों की हवा दीजिए, नए नए फूल खिले हैं इन्हें मकबूलियत की दुआ दीजिए। ये अपने फन से हर महफिल में ऐसे ही रंग जमाते रहें, इनके लिए दुआओं में जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो एक बार जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए इस प्रस्तुति के लिए, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये थी तालियों की शायरी। आप यूं ही स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खूबसूरत से खूबसूरत तालियां, तालियों की शायरी है। बेशक किसी भी तरह की आपको शायरी चाहिए और आपको याद करनी होगी, आप अपनी स्मृति में लेकर आइए, अभ्यास में लेकर आइए। और आपको जैसे कि रिटर्न में आपको यहां पर दी जा रही है एक टाइप करके, जैसे एडिट करके, और इसके साथ साथ जो बोलने का लहजा भी आपको जैसा मेरे पास है वैसा आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ देने का। तो इसी तरह से आप स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, नियमित रूप से आप देख रहे हैं, और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, देखिए इस चैनल को, और आप अपने आप को एक बेहतर मन संचालक, वक्ता के रूप में, एक न्यूज़ एंकर के रूप में, हर जो स्पीकिंग के अंदर आपका एक टारगेट है उस लक्ष्य के रूप में आप अपनी मंजिल देखिए।